हेलो गाइस, वेलकम टू द LES। और आज हम एक्सरसाइज 13.3 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जो आपका चैप्टर है, उसके एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट कर देंगे। इस एक्सरसाइज को देखने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सरफेस एरिया, मतलब राइट सर्कुलर कोन के सरफेस एरिया को बारे में उसके डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी, कॉन्सेप्ट सिखाया था, सब कुछ बताया। तो वो वीडियो देखना, क्योंकि इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 13.3 है, इसमें आपका सर्कुलर कोन, जिसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन का हमारा सरफेस एरिया के क्वेश्चंस होंगे, जिसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया के क्वेश्चन। ध्यान रखना, अगर टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखा, सिर्फ सरफेस एरिया लिखा, तो आपको हमेशा ये कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है, ठीक है। तो मैं पहले सारे कॉन्सेप्ट के, भाई कोन होता है क्या है, कोन में क्या क्या चीज़ें होती है, स्लांटाइट क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाते हैं, हाइट क्या होती है, सब चीज़ें मैंने आपको बता रखा है, रेडियस क्या होता है, एक्सप्लेन किया है। तो मैं इस एक्सरसाइज में मान के चल रहा हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, और फिर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस के थ्रू आप कॉन्सेप्ट तो सीख ही सकते हो कोन के, ठीक है। आपको बस इतना मैं बता देता हूँ शुरू करने से पहले, कोन ऐसा होता है जो हम आइसक्रीम खाते हैं ना, ऐसा कोन, और ये वाला पार्ट स्लांट हाइट होता है एल, और ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैं अभी गोल कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं सर्कुलर पार्ट, और इसका रेडियस होता है सर्कल है तो, और ये सीधी, ये वाली जो सीधी लाइन होती है, इसको बोलते हैं हाइट। तो ये हाइट होती है कोन की, ये टेढ़ी वाली स्लांट हाइट होती है, और ये रेडियस होता है, ठीक है। बाकी डिटेल में आप समझ सकते हो, ठीक है, इतना काफी है। अब हम चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन पे, क्योंकि एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं हम जल्दी से, पहले कोई स्ट्रेस नहीं लेना अपन को, आराम से करेंगे मजे करते करते। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, देखो ये बेस ऑफ अ कोन, तो डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दे रखा है और रेडियस हमें पता है डायमीटर का आधा होता है, तो यानी कि रेडियस इसका आधा होगा, यानी कि 10.5 / 2, ये डायमीटर है ना, तो रेडियस इतना होगा, हमें पता है रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, बेसिकली डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस दे रखा है हमें, और स्लांट हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, पहले हमें रेडियस पता चल गया, रेडियस ऑफ अ कोन 10.5 / 2, स्लांट हाइट भी दे रखी है, एल से हम डिनोट करते हैं स्लांट हाइट को 10 सेंटीमीटर, और यूनिट लिखते जाओ, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो आर पता चल गया हमें, स्लांट हाइट पता चल गया, और हमसे क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, पता है आपको, पाई आर एल, ये फॉर्मूला है सिंपल सा, तो बस वैल्यू पुट करना है अपन को। तो पाई की जगह आप वैल्यू पुट कर दो 22/7, ये पाई की वैल्यू, आर की जगह ये 10.5/2, एल की जगह ये 10, सॉल्व कर दो बस आप जल्दी से, ये डेसिमल से ये 10 गया, ये 2 11 टाइम्स गया, 7 1 7, 7 5 35, 15 × 11 कितना होता है 165, और एरिया की बात चल रही है, सबको सेंटीमीटर में है, तो एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर लगा देते हैं, आ गया हमारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया की बात होती है तो स्क्वायर जरूर लगाना यूनिट के ऊपर, जैसे यहाँ सेंटीमीटर यूनिट थी तो उसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था कर्व सरफेस एरिया का, ये वाला पाई आर एल, आर रेडियस, एल स्लांट हाइट। रेडियस इसने डायरेक्ट नहीं दिया हमें, ऐसे बस घुमा फिरा के डायमीटर दे दिया, तो हमें तो पता है कि डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर 10.5 था, तो रेडियस 10.5/2 हो गया, बस सॉल्व कर दिया, ठीक है, सिंपल था ना ये वाला तो बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस। अब इसने बोल दिया कि टोटल सरफेस, तो अब हम टोटल सरफेस निकालेंगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो हमें क्या क्या दे रखा है वो लिखते चलेंगे हम, पहले स्लांट हाइट दे रखा है 21 मीटर, यूनिट पे ध्यान दो, इन सब चीजों के नंबर कट जाते हैं, यूनिट कितने में, मीटर में है यूनिट। तो हमें जो जो पहले दे रखा है पहले हम वो लिखते चलेंगे, तो हमें स्लांट हाइट दे रखी है, एल से हम डिनोट करते हैं स्लांट हाइट को 21 मीटर, और डायमीटर फिर से दे रखा है, तो डायमी हमें तो रेडियस चाहिए होता है फॉर्मूले में, तो डायमीटर 24 है, तो रेडियस हमेशा हमें पता है डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर 24 है, तो 24 का आधा क्या होता है, रेडियस होगा 24 का आधा, यानी डिवाइड बाय 2, तो 12, सब कुछ ये भी मीटर में, तो ध्यान रखना मीटर, देखो मैं भी सेंटीमीटर लिखने वाला था अभी, तो रेडियस हो गया आपका 12 मीटर। तो हमें स्लांट हाइट मिल गई 21 मीटर, और यहाँ डायमीटर से हमने रेडियस निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो 24 का आधा 12, तो रेडियस भी हमें पता चल गया 12 मीटर, और हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब देखो याद करने का तरीका,
पाई आर एल तो हमारा कर्व सरफेस एरिया ही है, ये देखो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने करा है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, तो पाई आर एल तो है ही, पाई आर एल तो है ही प्लस पाई आर स्क्वायर भी है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में हम जो ऐसे कोण होता है ना हमारा, ऐसे ये सब डिटेल में समझा चुका हूँ कि ये फॉर्मूला क्यों है, ऐसा होता है टोटल सर्फेस एरिया, तो टोटल सर्फेस एरिया में जो नीचे सर्कुलर पार्ट है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इस सर्कुलर पार्ट को भी हम ऐड करते हैं, नीचे वाले सर्कुलर पार्ट को, तो बस वही पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक, ये सर्कल है ना, वो सर्कल का ये नीचे वाला पार्ट ये सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो टोटल पूछ रहा है टोटल, तो ये वाला ये ऊपर वाला कोन का पार्ट ये होता है पाई आर एल, उसको हम बोलते हैं कर्व सर्फेस एरिया, ये कर्व सर्फेस एरिया होता है, लेकिन टोटल सर्फेस एरिया में हमें पूरा सब कुछ चाहिए होता है, तो ये नीचे वाला सर्कल भी लिखते हैं पाई आर, ठीक है। एनीवेज इतना आपको अगर नहीं जानना तो आप सीधे फॉर्मूला भी कर याद कर लो, नाइन्थ में इतना काफी होता है, नाइन्थ स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग के इतना काफी है, ठीक है। तो बस अब तो वैल्यू पुट कर लो भाई, इसको देखो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको कॉमन उमन लेके शॉर्ट करना चाहते हो शॉर्ट कर दो, डायरेक्ट ऐसी इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना चाहते हो तो इसी फॉर्मूले में कर लो, देखो शॉर्ट कर कैसे करते हैं, यहाँ क्या है मैं दोबारा लिख देता हूँ, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये है ना टोटल सर्फेस एरिया, मैं इसको इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, मुझे पाई कॉमन, पाई और आर कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो पाई आर कॉमन ले लेता हूँ मैं, कॉमन लेना आता है ना आपको, भूल तो ना गए, छोटे वाली चीज़ है छोटी क्लास की, पाई आर कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा, पाई आर कॉमन ले लिया तो एल बचा, एल बीच में प्लस का साइन, प्लस का साइन, तो यहाँ पर क्या है पाई आर तो कॉमन ले लिया तो एक आर और बचा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो एल, तो चाहे फॉर्मूला ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर कुछ भी कर लो आपकी मर्जी है, तो बस अब मैं इस वाले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो पाई की जगह मैं डाल रहा हूँ 22/7, आर की जगह 12, अभी हमने कैलकुलेट किया आर, फिर ब्रैकेट में एल, एल क्या है 21, ये लो जी 21, आर क्या है 12, ये लो जी 12, बस अब इसको सॉल्व करो, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम, 22/7 एज इट इज इंटू 12 एज इट इज, ब्रैकेट को सॉल्व करो, 21 प्लस 12 कितना होता है, आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, मुझे पता है 21 प्लस 12 होता है 33, सब मल्टीप्लीकेशन में ही है, बस अब काट दो जो जो कट रहा है वो काट दो ना, तो आपका क्या क्या कट रहा है 22/7 इंटू 12 और ये हो गया 33, तो इसको अब आप सॉल्व कर दो बस मल्टीप्लीकेशन में, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कर दो, और बस पहले ही ऊपर ऊपर वालों सबको मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 12 इंटू ये 33 डिवाइडेड बाय ये 7 को मत भूल जाना, डिवाइडेड बाय 7, तो इसको ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे जब 22 इंटू 12 इंटू 33, आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, जब आप इसको करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन आप कर लेना है ना, 22 इंटू 12 इंटू 33 जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, ठीक है, जब आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, वो भी तो ये हो गया 8712 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 है, तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, तो डेसिमल में जब आप इसको लिखोगे 8712 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1244.57। अब ध्यान रखना सारी चीज़ें मीटर में, और बात चल रही है एरिया की, तो जब भी एरिया की बात करते हैं तो स्क्वायर लगाना मत भूलना, यूनिट के ऊपर तो यूनिट मीटर थी उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लें जल्दी से, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन, तो यहाँ पर कर्व सरफेस उसने दे दिया, कौन का कर्व सरफेस हमें पहले से ही बता दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा आपका, सारे कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, बस क्वेश्चन घुमाता रहेगा, तो पहले क्या बोला इसने कर्व सरफेस एरिया कौन का इतना है, तो हम लिख लेते हैं भाई कर्व सरफेस एरिया हमें दे दिया इसने, कौन की बात हो रही है, तो कितना दे दिया 308, सारी चीज़ सेंटीमीटर में और एरिया है तो यूनिट के ऊपर सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, तो कर्व सरफेस एरिया हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और क्या दे रखा है स्लांट हाइट भी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू 14 सेंटीमीटर जी, दो चीज़ें हमें दे रखी है, और हमसे फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का रेडियस ऑफ द बेस, तो हमें रेडियस फाइंड करना है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन, तो रेडियस फाइंड करना है, तो मुझे एक बात बताओ कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है कोन के, पाई आर एल, यही होता है ना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है, और हमें आर निकालना है, तो बस जो जो आपको जो निकालना है वो लिख लो, और जो जो दे रखा है वो वैल्यू पुट कर दो, तो कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 308, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी मैंने 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 लिख सकते हो आप, आर आपको निकालना है तो आर को एज इट इज लिख दिया, एल की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, तो
तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो पहले यहाँ काट लो, 7 टू जा, 2 टाइम्स गया, तो ये क्या हो गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर इंटू 2, क्योंकि ये 7 टू जो 14 गया ना, तो 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो आर की वैल्यू में निकालनी है, तो आर जो जो आर को एक तरफ कर देते हैं बाकी सारी चीज़ें एक तरफ कर देते हैं, तो आर को एक तरफ अगर मैं लिखूं तो 7 उधर चल जाएगा ऊपर जाके, नीचे डिनोमिनेटर में तो उधर जाके ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी हम इस इक्वल टू को इस तरफ ले जाते हैं तो डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाती है, माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाती है, सब उल्टा हो जाता है। तो ये डिवाइड में नीचे 7 में, तो उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में 22 और 2, तो ये नीचे जाके उधर इस इक्वल टू के उस साइड जाके डिवाइड में हो गए दोनों। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये कैसे कैसे सॉल्व होगा देख लो भाई। थिंक आपका 11 टू जा 22, आप अपनी स्पीड पर कर सकते हो, घबराने वाली बात नहीं है। तो ये 11 टू जा 22, 11 टाइम्स मैं काट रहा हूँ, ये हो गया 11 टू जा 22, बचा 8, तो 11 8 जा 88, फिर इसके बाद ये 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 7 इंटू 7 आ गया, तो रेडियस आका हो गया 7 इंटू 7 कितना होता है 49, सारी चीज़ सेंटीमीटर में है तो 49 सेंटीमीटर। तो जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का जिसमें रेडियस पूछा था, तो वो तो निकल गया 49 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट हमारा 49 सेंटीमीटर हमने रेडियस निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 49 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, एक सेकेंड देखो मिस्टेक कैसे होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक देखो, यहाँ पर था 22/7, तो ये 7 से 2 तो हमने काट दिया था, तो ये 2 ये 7 यहाँ पर, ये 7 यहाँ पर नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये नीचे 7 था, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, आप ध्यान से देख लेना इसको, ये 22/7 था, हमने 7 टू जो 14 काट दिया था, फिर यहाँ वापस 27 कैसे लिख दिया हमने, तो ये 7 नहीं था, तो जब ये 7 नहीं था तो 3 इसको, ये 7 यहाँ नहीं था, तो इसको जब हम डायरेक्ट दोबारा करेंगे तो मैं देखो साफ करके बताता हूँ तुम्हें, ऐसे हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक, तो दोबारा कर देता हूँ मैं, कन्फ्यूज मत होना। तो हमने कर्व सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू डाली, पाई की जगह 22/7 लिखा, आर की जगह रेडियस जो हमें कैलकुलेट करना है, और एल स्लैंटाइड 14 थी, तो अब हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं बस, है ना। तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मेरे को पता है कि मेरे को आर निकालना है, तो एक साइड, एक सेकेंड, मैं यहाँ एक आर को एक तरफ कर लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ एक तरफ कर लेता हूँ, तो आर इक्वल्स टू जो चीज़ डिवाइड, जब इक्वल टू के हम दूसरी तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में हो जाती है, डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाती है, माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाती है, बेसिक चीज़ बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि हर बच्चे तक पहुँच सकूँ। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 308, और ये 7 उधर जाके डिवीजन में था तो मल्टीप्लाई में हो गया, और ये 22 और 14 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर डिवीजन में हो गया उधर जाके, तो 22 इंटू, आप इसको सॉल्व कर लो, ये जाएगा आपका 7 टू जा 11 टू जा, और 11 टू जा, और 11 एट जा, और ये 2 14, और ये 2 7, तो जब आप इसको काटोगे तो रेडियस आपका आएगा 7, सबको सेंटीमीटर में तो 7 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन ध्यान से करना, पर देखो मैथ्स में तो कैलकुलेशन ही है आपकी सारी। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है अभी, सेकंड पार्ट कह रहा है टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कॉन, तो टोटल सर्फेस एरिया का भी फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर एल जो कि होता है ये कर्व सरफेस एरिया, प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर एल तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है इसने 308, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया तो क्वेश्चन में दे रखा है 308, तो ये वाला पार्ट तो हमें पता है कि 308 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस अब हमें पाई आर स्क्वायर और कैलकुलेट करना है, फिर उसमें 308 ऐड करके कर देंगे तो टोटल सर्फेस एरिया हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर क्या है, आर हमारा है अभी हमने कैलकुलेट किया है फर्स्ट पार्ट में, आर की वैल्यू थी 7, तो आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 स्क्वायर है ना, तो 1 7 से 1 7 गया, 22 इंटू 7 कितना होता है, आप अपनी स्पीड पर सॉल्व कर लेना, 22 इंटू 7 होता है 154, तो ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और प्लस सब कुछ एरिया तो सब कुछ स्क्वायर में चलेगा, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 308 प्लस 154 आप करोगे वही टोटल सरफेस एरिया होगा, तो 308 प्लस 154 आप करोगे तो 454 प्लस 8 कितना होता है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपनी स्पीड पे कर लेना, घबराना मत कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, आप अपनी स्पीड पे करना। ठीक है, तो ये टोटल सर्फेस एरिया हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देख ले, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अभी पढ़ो इसको। अ कॉनिकल टेंट, वही कौन की बात हो रही है, देखो ये एक्सरसाइज पूरी कौन पे है हमारी, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, तो यहाँ पर कौन की
स्लांट हाइट की सिर्फ हाइट दे रखी है, तो एच स्लांट हाइट एल होती है, हाइट सिर्फ एच होती है। तो कोनिकल टेंट की हाइट दे रखी है 10 मीटर, सब कुछ मीटर में चल रहा है यहाँ पर, यूनिट मीटर में, ठीक है। और रेडियस भी दे रखा है उसका 24 मीटर, तो हाइट दे दी 10 मीटर, रेडियस दे दिया 24 मीटर। एक टेंट है कौन शेप का, कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट है 10 मीटर, और उसका रेडियस बेस का जो नीचे का बेस होता है ऐसे होता है ना, ये नीचे वाला जो बेस है, ये वाला है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, इसका रेडियस दे दिया, और ये हाइट ये होती है ऐसे। या स्लांट हाइट कौन सी होती है जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ ना, ये होती है स्लांट हाइट। तो इसने ये पिंक वाली दी है हाइट, और रेडियस कौन सा है, रेडियस ये है, ये रेडियस है जो मैं ऑरेंज कलर से, ठीक है। ये आपको कलर कोडिंग से याद होगा, जो मैंने ऑरेंज किया इसको रेडियस बोलते हैं कौन में, जो पिंक किया मैंने इसको हाइट बोलते हैं, और ये जो ब्लू वाली होती है इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। तो हमें क्या दिया इसने, पिंक वाला पार्ट यानी हाइट दिया, नीचे ऑरेंज वाला पार्ट यानी कि बेस का रेडियस दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया। आपसे क्या पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, स्लांट हाइट यानी ब्लू वाला पार्ट पूछ रहा है आपसे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको एल निकालना है, ब्लू वाला पार्ट है ना, तो ब्लू से सॉल्व करते हैं, कलर कोडिंग करते हैं, चलो ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमें स्लांट हाइट यानी कि एल निकालना है, स्लांट हाइट एल ये निकालना है, एल निकालो जी। एल कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे थे तो L निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, जब मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा था स्लांट हाइट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, याद रहेगा तुम्हें, इसको हमेशा याद रख लेना। जब स्लांट हाइट निकालना हो ना तो उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो हमें तभी तो आर और एच दे रखी है उसने, तो हमें स्लांट हाइट पूछ रहा है। स्लांट हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बाकी आप इसको कॉन्सेप्ट की तरफ से अगर समझना चाह रहे हो, तो ये जो पिंक ऑरेंज और ब्लू मिला के जो ट्राइंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो यहाँ पर एल का यानी कि हाइपोटेन्यूस होगा, ये ब्लू वाला हाइपोटेन्यूस होगा, ये पिंक वाला परपेंडिकुलर है, और ये ऑरेंज वाला बेस है। तो यहाँ पर बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम ही लग रही है, ये जो है ना ये फॉर्मूला, ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से आया हुआ है। अगर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं सोचनी तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बस अब वैल्यू पुट कर दो, स्लांट हाइट आ जाएगी। तो एल हमें निकालनी है इक्वल्स टू अंडर रूट, अरे हम तो ब्लू से कर रहे थे सॉल्व, चलो जी ब्लू, अंडर रूट आर की वैल्यू क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू क्या है 10, तो प्लस 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना आना चाहिए, तो L इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होता है, देखो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, जो बच्चे मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको कम से कम 1 से 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए एटलीस्ट, और 1 से 10 तक के क्यूब्स, उससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो मेरे को देखो 1 से 30 तक के स्क्वायर, तो यार 24 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो आपको 24 का स्क्वायर ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन के साथ, मुझे डायरेक्ट याद है। तो आप देख रहे हो ना, तो मेरे को 24 का स्क्वायर याद है कितना होता है 576 होता है, 10 का स्क्वायर भी याद है 100 होता है, तो इसको ऐड करो तो अंडर रूट 576 प्लस 100 होता है 676, कितना होता है 676। अब देखो ये जो 676 है ये भी मुझे याद है, ये कितना होता है 26 का स्क्वायर होता है, तो देखो स्क्वायर रूट सॉल्व करने में भी ईजी हो जाएगा मुझे, तो 676 होता है 26 का स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है तो कट जाता है, तो आपका L क्या वैल्यू हो गई सिर्फ 26 सेंटीमीटर, तो L निकल गया हमारा 26 सेंटीमीटर जो कि था स्लांट हाइट, और ये हमें फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना था। हाँ समझ में आ गई, तो ऐसे कैलकुलेशन आप फास्ट करो जैसे मैंने किया, आपको भी फास्ट हो जाएगा, मैं इतना करते रहो मल्टीप्लाई 24 into 24 16 1 4 8 9 0 2 4 8 2 4 6 17 576, ऐसे करते रहो आप बच्चों की तरह, वो भी करने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आगे अगर अच्छा करना है लाइफ में तो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं भाई, फर्स्ट पार्ट में स्लांट हाइट हमने निकाल ली 26 सेंट, सॉरी देखो यहाँ पर यूनिट की गलती कर दी ना मैंने, साइज चाहिए मीटर में है तो मैं सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूँ, तो स्लांट हाइट होगी 26 मीटर, तो ऐसे आप यूनिट की सब जगह ध्यान रखना। सेकेंड पार्ट बचाओ भी, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ अ कैनवस, ये जो टेंट है इसको कैनवस बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ अ कैनवस रिक्वायर्ड, मतलब कैनवस मतलब ऐसे कपड़ा होगा ना, ऐसे कपड़ा, उस कपड़े से, ये जो कपड़ा है कैनवस, इसी से तो हम ऐसे टेंट बना रहे हैं, कपड़ा जो होगा कैनवस होगा वो कपड़े का से ही हम टेंट बना रहे हैं। तो ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट, तो कह रहा हूँ वो कैनवस की कितनी कॉस्ट होगी जिससे कि हम टेंट बनाएंगे, अगर जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की 70 रुपये है,
वो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की जो कॉस्ट है वो 70 रुपये है, ये उसने बता दिया। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की जो कॉस्ट है वो 70 रुपये है। तो वो कह रहा है कि ये जो टेंट है इसको बनाने में, जो टेंट है 10 मीटर हाइट का, रेडियस इतना है, और स्लॉन्टाइड अभी हमने कैलकुलेट की इतनी है, तो उसका वो टेंट बनाने के लिए हमें कितना कॉस्ट लगेगी। तो जब हमें कॉस्ट निकालनी हो तो क्या कैलकुलेट करते हैं हम, हमें क्या चाहिए होगा, हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा भाई। ऐसा होता है ना टेंट, ऐसा होता है टेंट, तो ये नीचे तो होलो है तो ये टेंट में कर्व सरफेस एरिया में चाहिए होगा, तो हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो एल अभी हमने निकाली, आर क्वेश्चन में दे रखा था, वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमें 24, एल अभी हमने निकाला 26, तो ये जो है ये हमारा कर्व सरफेस एरिया है। तो इतना हमारा टोटल मीटर स्क्वायर निकलेगा, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और 1 मीटर स्क्वायर की 70 है, तो इतने मीटर स्क्वायर की हमें 70 से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी हमें कॉस्ट चाहिए होगी, तो इसको 70 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही कर दो, तो ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी। देखो ध्यान से सुनो, ये हमारा क्या है पाई आर एल, यानी कि ये जो मैं ऑरेंज से लिखा है ये क्या है कर्व सरफेस एरिया। तो इतना कितना जितना भी आएगा ये उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर सॉरी, जितना भी आएगा ये इतना मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये कह रहा है हमें कॉस्ट निकालनी है, तो 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपये है, तो जितना भी ये मीटर स्क्वायर आएगा उसको 70 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस उतना ही हमें रुपीज़ में आ जाएगा आंसर। जब कॉस्ट जो होगी तो वो तो रुपीज़ में ही आएगी आंसर, तो बस इसको कैलकुलेट कर दो मल्टीप्लाई करके 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 17, तो उसको ये डायरेक्ट कट रहा है, देखो 7 10 जा, तो आपका कॉस्ट आ जाएगी रुपीज़ में 22 इंटू 24 26 इंटू 10, ये आपका कॉस्ट आएगी रुपीज़, कॉस्ट तो रुपीज़ में ही आती है ना भाई, यहाँ पर कॉस्ट निकालना है, तो बस इसको आप कैलकुलेट करो, आंसर बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में क्या आएगा, कर लेना इसको, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लें हम जल्दी से, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व कर देना उसको, क्वेश्चन नंबर 5th आ गया भाई। अब देखो इसको, देखो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 5th देख लो, क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पलिन 3 मीटर वाइड। टार्पलिन क्या है, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं ना अपने तिरपाल, तिरपाल का ऐसा कपड़ा होता है ना ब्लू ब्लू सा, तिरपाल छत वगैरह पे आपने देखा होगा तिरपाल, तो उसको बोलते हैं टार्पोलिन। तो 3 मीटर वाइड है, तो टार्पोलिन ऐसे होगा, ऐसे होगा है ना, ऐसे होगा, तो उसकी क्या होगी लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, तो जो लेंथ है वो पूछ रहा है वो उसकी क्या होगी, जो टार्पोलिन है ये जो आपका टार्पोलिन है ऐसी होगा ना शीट जैसा होगा, तो उसकी कोई लेंथ होगी कोई विड्थ होगी, वाइड मतलब ब्रेड्थ बोल लो या विड्थ बोल लो जो मर्जी बोल लो। ठीक है, तो लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, तो ब्रेड्थ तो इसने दे रखी है 3 मीटर और लेंथ हमसे पूछ रहा है, तो ये टार्पलिन से रिलेटेड हमें ये चीज़ पता चली। तो ये कह रहा है कि कितना टार्पलिन हमें किस, मतलब जो टार्पलिन की लेंथ क्या होगी जो 3 मीटर वाइड है, जो हमें एक टेंट बनाना है, जो टार्पलिन है ये जो तिरपाल है इससे हमें क्या बनाना है टेंट बनाना है, उस टेंट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि उसकी हाइट होनी चाहिए 8 मीटर, तो जो कॉनिकल टेंट है, ये जो कॉनिकल टेंट है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 8 मीटर, ये इस टार्पोलिन में से हमें टेंट बनाना है, तो 8 मीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, रेडियस उसका बेस रेडियस उसका 6 मीटर होना चाहिए। ठीक है, बेस रेडियस उसका 6 मीटर होना चाहिए, और कह रहे कि जो एक्स्ट्रा कुछ कपड़ा बच जाएगा उसको आप मान लो जो स्टिचिंग वगैरह सिलने मिलने में वो 20 सेंटीमीटर, तो ध्यान रखना है सेंटीमीटर में, बाकी चीज़ें मीटर में चल रही है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे ये हमें बताना है। तो इसका कैसे सॉल्व करते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क को हम एक्स मान लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 20, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 20 इंटू 1 और एक्स इंटू 100, तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो 100 नीचे डिवाइड में चल जाएगा, तो 25 1/5 यानी कि डेसिमल में 0.2, तो ये 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर हम लिख सकते हैं डेसिमल में। ठीक है, तो हमें पता चल गया भाई कि जो ये जो टार्पोलिन है जिसकी ब्रेड्थ 3 मीटर है और लेंथ हमें उसकी बतानी है, तो इस टार्पोलिन से हमें कोन बनाना है और वो कोन की हाइट 8 मीटर होनी चाहिए और रेडियस इतना होनी चाहिए, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपका 0.2 मीटर है कपड़ा, जिसको सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर है वह मीटर में 0.2 मीटर एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कि स्टिचिंग वगैरह के लिए यूज होगा, तो आपको इस टार्पोलिन से कोन बनाना है, तो बेसिकली इस कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको चाहिए होगा, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, तो हमें एल तो पता ही नहीं है, हमें आर पता है और एच इन्होंने दे दिया, तो आपको मैंने बताया था कि एल यानी कि स्लैंट हाइट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तभी तो इन्होंने एच दिया है ताकि हम एल अपने आप निकाल लें, तो ये जो आपका स्लैंट हाइट है
इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम निकाल लेते हैं आर की वैल्यू क्या है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, एच की वैल्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 36 प्लस 64 होता है 100। आप अपनी स्पीड पर करना कैलकुलेशन, तो अंडर रूट 100, 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, तो आंसर आ गया हमारा ये 10। तो लेंथ की वैल्यू स्लांट हाइट एल की वैल्यू आ गई, देखो इस लेंथ से कन्फ्यूज मत हो जाना, तो इसको मैं स्लांट हाइट के नीचे एस लिख देता हूँ, तो स्लांट हाइट हो गई 10 मीटर, तो स्लांट हाइट आ गई हमारी 10 मीटर। अब हम यहाँ से ये जो हमारा कोन है इसकी कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, हमें बेसिकली ये टारपुलिन की हमें लेंथ निकालनी है, तो ये कर्व ये जो जितना भी टारपुलिन होगा वो इस कोन के कर्व सरफेस एरिया के बराबर ही होगा, क्योंकि इसी में से टारपुलिन में से ही तो ये कोन बन रहा है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो इसके टारपुलिन के जितना ही बराबर होगा, तो वही करेंगे हम। तो पहले कर्व सरफेस एरिया निकालने येलो कलर से कर रहा हूँ, तो पाई की वैल्यू 22/7 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आर ये रहा 6, एल यानी कि स्लांट हाइट अभी हमने कैलकुलेट किया 10, तो ये हमारा जो कर्व सरफेस एरिया है कोन का, मैं लिख देता हूँ कर्व सरफेस एरिया कोन, ये किसके बराबर होगा, ये टारपुलिन का जो एरिया है, टारपुलिन का एरिया यानी कि उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ। तो लेंथ तो हमें पता नहीं है भाई, ये बराबर इसलिए होंगे क्योंकि इस टारपुलिन में से तो ये कोन बन रहा है, तो बराबर ही होगा दोनों का एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन और ये एरिया ऑफ ए टारपुलिन, तो ये टारपुलिन किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हमें नहीं पता वो हम निकाल रहे हैं, और ब्रेथ 3 मीटर, तो इसको सॉल्व कर दो, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी आपकी, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ लेंथ हमें निकालनी है और विड्थ यानी कि ब्रेथ 3 मीटर दे रखी है, तो बस अब इसको सॉल्व करोगे यहाँ से इस इक्वेशन को, तो आप एल यानी कि इस जो टारपुलिन की लेंथ है हमारी आ जाएगी, तो इस टारपुलिन की लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे, आपका होगा सॉल्व कर लो इसको, एल की ये 3 उधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉल्व करो 22 × 6 × 10 और ये 7 और ये 3, ये वाला 3 नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो 7 × 3 × 6, तो ये हो गया 440। आप अपनी स्पीड पे करना 22 × 2 = 44 और × 10 = 440, नीचे 7 बचा 440/7, तो ये मीटर में आपका चल रहा है, ये लेंथ है। तो ध्यान रखना हमें टोटल लेंथ पूछी है, टोटल लेंथ, तो ये एक्स्ट्रा जो पूछ रखी है ना इसने मार्जिन वाली 0.2 मीटर, ये भी ऐड कर देंगे इसमें, तो 440 मैं लिख रहा हूँ 440/7 प्लस ये वाली लेंथ 0.2, सब कुछ मीटर में ही है, बस आप इसको सॉल्व कर दो, यही आपका आंसर है। तो 440/7 जब आप डेसिमल में लिखोगे तो आपका आएगा 62.8 और ये 0.2 है, तो 62.8 प्लस 0.2 होगा 63 मीटर। तो जो लेंथ पूछा था ये थी 63 मीटर। आपको इस क्वेश्चन में ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि जो टारपुल ये जो कोन का जो एरिया है वो बराबर होगा, ये जो टारपुलिन है शीट है रेक्टेंगल की शेप में, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर करना है हमें, क्योंकि भाई सिंपल सा लॉजिक है, इस टारपुलिन से ही तो हम कोन बना रहे हैं, तो बस उतना ही सोचना था आपको। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टोम्ब आर 25 मीटर एंड 40 मीटर 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो हमारा वही तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो जो दे रखा है पहले वो लिखते जाते हैं। तो हमें स्लांट हाइट दे रखी है और बेस डायमीटर, डायमीटर दे रखा है एक कॉनिकल टोम्ब का 25 मीटर एंड 40 मीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब जो पहले वाला दे रखा है वो पहले वाला है, जो बाद में वाला दे रखा है वो वाली बाद में वाली है। तो पहले स्लांट हाइट दे रखी है तो उसकी वैल्यू 25 होगी, फिर डायमीटर बोल रखा है तो उसकी वैल्यू 14 होगी। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो पहले बोल रखा है उसकी वैल्यू पहली वाली होती है, जो बाद में बोल रखा होता है उसकी वैल्यू बाद में वाली होती है। तो आजो जी क्या कह रहा है आपका, तो स्लांट हाइट की वैल्यू दे रखी है 25 मीटर, तो लिख दिया मैंने 25 मीटर। डायमीटर, डायमीटर की वैल्यू दे रखी है 14, तो आपको पता है रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो हम निकाल लेंगे डायमीटर 14 है तो रेडियस होगा 14/2 यानी कि 7, तो रेडियस हो गया 7, और सब कुछ मीटर में चल रहा है तो रेडियस निकाल दिया मैंने 7 मीटर। यहाँ तक समझ आ गया। तो हमें कॉनिकल टॉम्ब है, कोई कॉनिकल टॉम्ब है तो उसका स्लांट हाइट पता चल गई, रेडियस पता चल गया। अब हमसे क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट, तो रुपीज में आएगा आंसर। फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट जब भी आ जाए तो आंसर रुपीज में ही आना है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो कोई ऐसे टॉम्ब है, टॉम्ब है गुंबद होता ना, गुंबद किसी बिल्डिंग के ऊपर, जैसे बिल्डिंग है उसके ऊपर ऐसे टॉम्ब है, तो ऐसे टॉम्ब गुंबद जिसको हिंदी में बोलते हैं उसको हमें वाइट वॉश करना है बेसिकली। तो जो गुंबद है वो कौन शेप का है और उसकी लेंथ स्लांट हाइट इतनी है, रेडियस इतना है, ठीक। तो हमें उसको वाइट वॉश करना है, तो हमें उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और कॉस्ट क्या है,
पर कॉस्ट सरफेस एरिया पर मीटर, सब कुछ मीटर में ना, तो पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है 210 रुपये। तो जितना भी कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो बस हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7, एल की वैल्यू क्या है 25। सॉल्व करो, 7 से 7 कटा, 25 × 22 कितना होता है, आप अपनी स्पीड पे सॉल्व करना। मुझे पता है, मैंने फास्ट कैलकुलेट कर लिया 550। कैसे कैलकुलेट करा देखो, तो मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ फास्ट कैलकुलेशन की हिंट। ये 25 है और ये 20 है, तो मेरे को पता है 25 × 10 सबको जल्दी से पता है कि 250 होता है ना। ये सब आपको अभी लंबा लगेगा जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ऐसी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आपको पता है 25 × 10 सबको जल्दी से सोच सकते हैं कि 250 है। तो दो बार है क्योंकि 20 है, तो 10 + 10 = 20 है, तो 250 + 250 = 500 हो जाता है। 25 × 250 होता है तो 550। ऐसे मतलब दिमाग को थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा फास्ट कैलकुलेशन के लिए, वरना आप अपनी नॉर्मल स्पीड पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 550, सब कुछ मीटर में है और एरिया निकाला है तो ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया 550 m². हमें तो कॉस्ट निकालना है इसमें, इस क्वेश्चन में कॉस्ट मतलब रुपीज में आएगा हमारा आंसर। तो हमारा अभी हमने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकाला है। तो क्वेश्चन ये है कि एक पर मीटर पर 100 m², देखो ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन गलत कर सकते हो, 100 m² की कॉस्ट है 210 रुपये। तो हमारे पास कितने, देखो ऐसे बोल रखा है कि 100 m² की कॉस्ट है 210 रुपये, था ना, ₹210 per 100 m², मतलब 100 m² एरिया की वाइट वॉश की कॉस्ट है 210 रुपये। तो हमारे पास कितना है एरिया, तो हमारा टोम्ब है उसका एरिया टोटल कितना है 550 m², तो 550 m² की कॉस्ट कितनी होगी, तो उसको एक्स मान लो। तो जैसे मैंने बताया अभी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे कर देना, एक्स की वैल्यू, ये तो छोटी यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, छोटी क्लास में सीखा होगा। तो ये जो एक्स है, ये हमारी टोटल कॉस्ट आएगी 550 m² की। इसने बोल रखा है ना कि 100 m² को वाइट वॉश करने के लिए 210 रुपये लग रहे हैं, तो हमारा एरिया तो 550 m² है, तो उसको कितने रुपये लगेंगे हमें नहीं पता, तो हमने एक्स मान लिया। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक्स इंटू 100 रुपीज में आएगा, क्योंकि कॉस्ट में हमें पूछा तो कॉस्ट तो रुपीज में ही आती है। तो एक्स इंटू 100 और ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो 550 × 210, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 550 × 210 और ये 100 डिवाइड हुआ, 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, तो हमारी कॉस्ट यही आएगी x, यानी कि 55 × 21। तो आप सॉल्व कर लो 55 × 21 और यही आपका, इतने ही रुपीज आपका आंसर होगा, ठीक है। तो सॉल्व करके देखो, तो थोड़ा पेन चलाओ अब भी, 55 × 21 रुपीज ये आपका कॉस्ट है और ये आपका आंसर भी है, ठीक है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। कह रखा है एक जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब ये राइट वर्ड से कंफ्यूज मत होना, हमारे यहाँ पर सब राइट सर्कुलर कोन ही है, तो सब सर्कुलर कोन बोले या राइट सर्कुलर कोन बोले कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में आप सर्कुलर कोन मतलब कोन ही मान के चलिए। तो एक जोकर की टोपी है, ऐसे होगी ना, जोकर की टोपी ऐसे होती है ना, जोकर ने पहन रखी, ठीक है। तो ये जोकर की टोपी ऐसे होगी, तो कोन की शेप की है, तो उसका बता रखा है भाई, रेडियस दे रखा है 7 cm। बस हमारा तरीका वही है, जो दे रखा है पहले वो लिखते चलते हैं। तो रेडियस 7 cm हमने लिख दिया, फिर हाइट दे रखी है उसकी, तो हाइट दे रखी है 24 cm, वो भी हमने लिख दिया। हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, मतलब ये जो टोपी है, फिर वही बात आ जाएगी कि ये जो टोपी है ये किसी ऐसे शीट होगी कपड़े की, उन्हीं से तो ये टोपियाँ बनेगी ऐसे, है ना। तो ये कह रहा है कि कितने, ये जो शीट है इसका एरिया क्या होगा, ये जो शीट है इसका एरिया क्या होगा कि हम 10 टोपियां बना सकें, ऐसी 10 ऐसी बन रही है, 10 टोपियां बना सके, ये वाली जिसके रेडियस 7 cm और हाइट। तो हम पहले एक का एरिया निकाल लेंगे, एक का एरिया निकाल लेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही शीट का एरिया होगा आपका, क्योंकि भाई शीट के कपड़े से ही तो ये सारी टोपियां बनी होगी, ये जो शीट का कपड़ा है इसी से ही सारी टोपियां बनी होगी। तो हम एक टोपी का एरिया निकालते हैं पहले, सबसे पहले तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल। अब हमें आर तो पता नहीं, तो बस आर अगर नहीं पता, एल तो पता नहीं, एल मतलब स्लांट हाइट, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तभी तो ये देता है आपको आर एच, ये डायरेक्ट नहीं देता एल आपको, ये एच की वैल्यू देता है ताकि आप निकालो, मेहनत करवा रहा है आपको बस।
तो स्लांटाइट निकालेंगे क्योंकि स्लांटाइट हमें ये फॉर्मूले में चाहिए कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो पहले स्लांटाइट निकालते हैं, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, आर क्या होता है 7 का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस एच स्क्वायर, अब देखो 24 का स्क्वायर आपको जल्दी से याद होना चाहिए 576 होता है, मुझे याद है। अब 576 प्लस 49 कितना होता है, इसको सॉल्व करो, तो 576 प्लस 49 जो होता है वो आपका आता है, इसलिए बोलता हूँ मैं कि जो कैलकुलेशन 1 से 30 तक के स्क्वायर अगर आपको याद हो ना आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाए। देखो 49 प्लस 576 होता है 625, और ये 625 मुझे याद है, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी आपकी, है ना, याद करो इनको। तो ये 625 क्या है, 25 का स्क्वायर, और हमें पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो बच गया हमारे पास सिर्फ 25, तो एल यानी कि स्लैंट हाइट की वैल्यू आ गई, सबको सेंटीमीटर में है तो 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें L मिल गया, अब हम यहाँ से कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, तो निकाल लो भाई, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आई आर एल, वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, L अभी हमने कैलकुलेट किया स्लैंट हाइट 25, 7 से 7 कट गया, 25 × 22 कितना होता है, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा 25 × 22 कितना होता है 550, सबको सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर तो जरूर लगाना क्योंकि जब भी एरिया होता है तो यूनिट यानी हमारी सेंटीमीटर उसके ऊपर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एक टोपी का एरिया, ये एक टोपी का एरिया है, तो ऐसी हमें 10 टोपियां बनानी है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो कितना हो गया 10 लगा दो, तो हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया 10 टोपियों का हो गया 550, 10 लगाया और सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमें चाहिए होगा शीट। तो जो शीट का एरिया पूछा रहा था ना, फाइंड द एरिया ऑफ अ शीट, वो इतना ही होगा भाई, क्योंकि हमें शीट मैंने 10 टोपी का एरिया निकाल दिया 10 से मल्टीप्लाई करके, तो जो शीट है इसका एरिया पूछ रहा है, तो शीट का एरिया और ये 10 टोपियों का एरिया बराबर ही तो होगा क्योंकि शीट में से ही तो टोपियां बनेगी, तो जो शीट का एरिया वो यही है 5500 स्क्वायर, और ये आपका आंसर है, समझ आ गई बात। देखो तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रीवियस जैसे क्वेश्चन करें उसी में से हम करेंगे, बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट है हमारा, बस तो थोड़ा घुमा फिरा रखा है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो क्या रखा है, एक बस स्टॉप है, जैसे मान लो ऐसे आपका एक छोटा सा कोई बस स्टॉप है, बस स्टॉप, ठीक है, इस बस स्टॉप के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रखी है 50 कोन से, ऐसे चारों तरफ ऐसे 50 कोन मान लो, ऐसे 50 कोन चारों तरफ इसके लगा रखे हैं, मान के चलो ये ऐसे 50 कोन्स है, 50 कोन्स ये बस स्टॉप को चारों तरफ से ऐसे बैरिकेड कर दिया, घेर लिया कोन्स से, कितने कोन्स के साथ, 50 कोन्स के साथ, कार्डबोर्ड के बने हुए, और इन्होंने हर कोन का, ईच कोन का बेस डायमीटर दे रखा है, तो हर कोन का डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, तो डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगा 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर, तो हमें हर कोन का रेडियस पता है 20 सेंटीमीटर, और हर कोन की हाइट पता है 1 मीटर, अब ध्यान रखना यहाँ पर मीटर में दे दिया, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में जब हम इसको करेंगे तो हमें पता है कि 1 मीटर में 2 सेंटीमीटर होते हैं, पता कोई बात नहीं, तो इसकी हाइट दे रखी है, हर कोन का रेडियस है 20 सेंटीमीटर और हाइट है 100 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पहले सबसे हमें कह रहा है कि ये जो कोन है 50 कोन है, इन कोन को पेंट करने का पैसा कितना होगा, कॉस्ट पूछ लिया यानी रुपीज में आंसर आएगा हमारा, तो ये 50 कोन को अगर हम पेंट करेंगे तो उसका रुपीज कितना आएगा, घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ रखा है इसीलिए, बस स्टॉप से घेरा और ये सब, तो ये कोन 50 जो कोन है ये, इन सबको जो बस स्टॉप को घेरे हुए हैं, इन सबको कॉस्ट 50 कोन को पेंट करने में कितना कॉस्ट आएगी वो पूछ रहा है। तो कह रहा है कि 1 पर मीटर स्क्वायर 12 रुपये लग रहे हैं पेंटिंग के पर मीटर स्क्वायर, तो अभी हम सेंटीमीटर में कोई बात नहीं, हम मीटर में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है वो मीटर के हिसाब से उसने पूछ रखी है कि 12 रुपये 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में 12 रुपये लगेंगे, तो हम 50 कोन का पहले कितना एरिया आएगा वो निकाल लेंगे, तो पहले 1 का एरिया निकाल लेते हैं 1 कोन का, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना टोटल एरिया हो जाएगा हमारा। तो 1 कोन का एरिया निकालने के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, पाई आर एल, ये 1 कोन का निकालेगा हमें, तो फिर वही बात है, इसने आर और एच दे रखा है, एल तो दे ही नहीं रखा, और हमें फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया के लिए एल चाहिए होगा, तो कोई नहीं, एल का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता चुका हूँ, क्या होता है एल का फॉर्मूला, एल होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर मेरे को जल्दी से पता है 400 होता है, मैंने बोला है 1 से 30 तक के जल्दी से स्क्वायर याद कर लो, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, और h का स्क्वायर देखो यहाँ पर आप 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो अब देखो आपका कैलकुलेशन बढ़ भी सकती है, आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर बढ़ भी सकती है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो कैलकुलेशन, लेकिन इसने देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ हिंट दे रखी है कि अंडर रूट
1.04 की वैल्यू है 1.02, तो क्यों ना हम इन सबको मीटर में ही कर लें, क्योंकि हमारा फाइनल क्वेश्चन भी मीटर में है। तो इसको 20 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में करूंगा तो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में करूंगा तो वो होगा 0.2 मीटर। मैंने करने का तरीका बताया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे उसको x मान लो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू निकालोगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ऐसी हाइट को भी 1 मीटर ही मानते हैं, क्योंकि फाइनली हमारा क्वेश्चन मीटर में ही आना है, क्योंकि इसने कॉस्ट बोल रखी है 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो क्यों ना हम मीटर में ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हिंट भी दे रखा है जो कि मीटर के हिसाब से ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, रेडियस हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर, हाइट हमारी 1 मीटर। अब हम निकालते हैं स्लांट हाइट, आर स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 0.2 का स्क्वायर कितना होता है, 0.2 का स्क्वायर होगा आपका 0.04, तो अंडर रूट 0.04 प्लस 1, तो 0.04 प्लस 1 कितना होता है, अंडर रूट 1.04, तो इसी की वैल्यू तो दे रखी है इन्होंने 1.02, तो ये 1.04 का अंडर रूट की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में हिंट में दे रखी है 1.02, तो हमारी एल यानी कि स्लैंट हाइट आ गई 1.02, और अब सब कुछ मीटर में, तो ये आ गई हमारी स्लैंट हाइट। अब हमें एल मिल गया, तो अब हम अपना कर्ल सरफेस एरिया निकाल ही सकते हैं, तो निकाल लो कर्ल सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू कह रहा है कि 3.14 डालो, हिंट दे रखा है ना इसने क्वेश्चन में, तो पाई की वैल्यू 3.14 डालेंगे, तो पाई की वैल्यू होगी 3.14, तो आर की वैल्यू 0.2, एल अभी हमने कैलकुलेट किया 1.02, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे वही आपका कर्व सरफेस एरिया होगा, किसका, एक कोन का, पर हमारे पास ऐसे कितने 50 कोन, तो उसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल 50 कोनों का एरिया आ जाएगा। और ये क्या कह रहा है कि 12 रुपये लग रहे हैं पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपये लग रहे हैं, तो इतने के कितने लगेंगे, इतने मीटर स्क्वायर के कितने रुपये लगेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जब पूरा आप सॉल्व करोगे उतने ही रुपीज आपका आंसर आएगा, समझ आ गई। तो ये कैलकुलेशन ये आपके होमवर्क है, वही आपका आंसर है, इसको सॉल्व कर दो उतने रुपए, समझ आया ना। देखो ये देखो, ध्यान से सुनो, मैंने एक कोन का एरिया निकाल लिया, तो ये जो पिंक मैं कर रहा हूँ ये एक कोन का एरिया है, पाई आर एल, ये एक कोन का एरिया निकाल दिया, ऐसे हमारे पास कितने कोन है, 50 कोन, तो उसको मैंने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल कोनों का एरिया आ गया। फिर कॉस्ट निकालने के वो कह रहा है कि पर मीटर स्क्वायर 12 रुपये लग रहे हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर में कितने रुपये लगेंगे, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल जब मैं सब सॉल्व करूंगा तो हमारे रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। तो इसको जल्दी से सॉल्व करो और आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज आपकी 13.3। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे, और जो भी होगा वो इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, मतलब, ठीक है। तो और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।